Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is functions. Aaj hum hamara second sem Applied Mathematics ka first unit का फर्स्ट टॉपिक फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैक्सिमा, मिनिमा एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय डिफरेंशिएशन। सो लेट्स सी द लर्निंग आउटकम। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू नो What is the definition of function? आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को फंक्शंस क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है ये आप अच्छे से समझ पाएंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। यह टॉपिक मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, इसीलिए इसे आप बहुत ध्यान से समझिए। ओके, तो सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को सरलता से एकदम इजी वे में समझने के लिए क्या करेंगे, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ओके, तो देखिए, जैसे कि हमारी डेली लाइफ में आप सभी सोचिए कि आपको कभी हंसी आती है, कभी आपको रोना आ जाता है या फिर कभी गुस्सा आता है, तो ये क्यों होता है? जब आप हंसते हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। क्या रीजन हो सकता है? आपने कोई जोक सुना हो या फिर कोई कॉमेडी देखी हो आपने, तो इसलिए आपको क्या हो सकता है कि हंसी आ सकती है। या फिर कभी कोई आपके पोस्ट को लाइक ना करे तो आपको गुस्सा आ जाता है, और आजकल तो जनरली ऐसा होता है। तो इसमें गौर करिए कि हमारा मूड चेंज हो रहा है, हमारा मूड चेंज। तो जो हमारा मूड चेंज होता है तो उसके पीछे क्या होता है? कोई कारण होता है, कोई रीजन होता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई रीजन होता है, ठीक है, जो भी कोई रीजन होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने बताया कि हमने कोई जोक देखा, ठीक है, तो उससे हमें क्या आ गई? हंसी आ गई। तो ये जो हंसी हमें आ गई वो हमारा हमसे क्या कहते हैं? आउटपुट। क्या कहते हैं हम उसे? आउटपुट। तो जिस रीजन से, रीजन जो हमारा चल रहा है, रीजन की वजह से हमें जो आउटपुट मिल रहा है, तो वो जो रीजन है वो हमारा क्या कहलाता है? इनपुट। क्या कहलाता है? इनपुट। जैसे कि आपने क्या किया, आपने कोई जोक सुना, ठीक है, हाँ, आपने कोई भी कॉमेडी वगैरह देखी तो आपको क्या हो गया? हंसी आ गई। तो एक तरफ किसी रीजन या फिर इनपुट की वजह से क्या मिल रहा है आपको? एक आउटपुट मिल रहा है। ओके, मिल रहा है। ओके, ठीक है, तो फंक्शंस भी इसी पर डिपेंड करता है। फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन की डेफिनेशन जो है हमारी, इसी रिलेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि हमारे पास कुछ इनपुट से हम क्या करते हैं? एक आउटपुट निकालते हैं। ओके, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इफ सपोज कोई दो सेट है, क्या है? कोई दो सेट, एक सेट हम ले लेते हैं कैपिटल ए और एक और सेट है, वो क्या है? सेट बी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। तो ये जो सेट है, ओके, ये सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड
जो भी हम कुछ कलेक्शन करते हैं वो वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। आप सभी को इंटीजर का मतलब तो पता ही होगा, पता होगा इंटीजर्स मतलब, ओके। तो अगर हमें सेट बताना है इंटीजर्स या फिर रियल नंबर कुछ भी इस तरह के, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, 0 से लेके जो भी वैल्यू आती है सारी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, सबको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, सॉरी, ओके। तो जो सेट रहता है वो हम इस तरह दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कैसे है, वेल डिफाइंड है, ठीक है, एक स्पेसिफिक है, कैसा है, एक स्पेसिफिक मैनर में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। जो भी कोई क्या रहेगा, एक स्पेसिफिक मैनर में रहेगा, वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। जैसे कि अगर क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हो, ठीक है, अगर मैम ने पूछा कि आप लोग को मतलब बताना है कि उन लोग मतलब उनका सपोज ड्रेस का कलर्स बताइए करके, तो आप उनके एक उसका कलेक्शन वेल बना सकते हैं कलर्स का। लेकिन मैम ने पूछा, अगर आपसे बोला गया या फिर कि उनका मूड का बताइए, उनका मूड कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, तो बिहेवियर के लिए आप लोग कोई मतलब एक स्पेसिफिक वेल डिफाइन आप लोग के पास कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो वो सेट कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। सेट में क्या आएगा, इस सेट के अंदर हमारा, इस सेट के अंदर हमारे वो सब चीजें आती हैं, हम सेट उन्हीं को कहते हैं जो कि क्या रहेगा, एक वेल डिफाइंड रहेगा, एक स्पेसिफिक, जिनका कलेक्शन जो भी हम कलेक्ट करेंगे वो क्या रहेगा, एकदम स्पेसिफिक रहेगा, वेल डिफाइंड रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सिंपल वे में क्या याद रखोगे, सेट ये दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और एकदम स्पेसिफिक वे में जो भी कुछ रहेगा, ठीक है, वेल डिफाइंड रहेगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम सेट कहेंगे, ओके। तो अब हमारे पास सपोज कोई दो सेट है, तो इनका क्या, इनके अंदर सपोज कुछ भी अगर आपको पास दिया गया है, कुछ सपोज ए हमारा कुछ इनपुट के लिए है और इससे हमें क्या दे रहा है, बी आउटपुट दे रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो भी कुछ रहेगा हमारे पास, उस ए का रिलेशन कहाँ पे रहेगा, बी के साथ में रहेगा। फिर एक और जब भी अगर अनादर कोई नंबर रहा या फिर कोई भी अगर डेटा रहा, तो उसका रिलेशन कैसे रहेगा, दूसरे नंबर के साथ रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दूसरा नंबर है, दूसरा डेटा है, उसका रिलेशन ये वाले नंबर के साथ भी हो, ठीक है। इस तरह से जो भी टर्म्स रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एफ रेज टू ए टेंस टू बी। किसी फंक्शन के अंदर कोई इनपुट डाला जाए तो वो हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। क्या कहा मैंने, किसी फंक्शन के अंदर कोई इनपुट डाला जाए, ठीक है, तो वो हमें क्या देता है, हमें एक आउटपुट देता है, ओके। तो अगर आप लोग, मैंने सपोज लिया, हमारे पास सपोज कुछ इनपुट है, ठीक है, क्या है, कुछ इनपुट दिया हुआ है, उससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, कुछ आउटपुट फाइंड आउट करना है, ओके। तो मैंने अब यहां पर लिखा ट्रायंगल, और आउटपुट के लिए हम लिखते हैं, आउटपुट में हमें चाहिए है नंबर ऑफ साइड्स, क्या चाहिए है, नंबर ऑफ साइड्स चाहिए है। तो ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, ठीक है। हमने इनपुट में क्या डाला, ट्रायंगल, तो हमने उससे क्या फाइंड कर पाए, आउटपुट साइड्स मेजर कर पाए, 3। स्क्वायर है सपोज, स्क्वायर के लिए साइड्स कितनी होती है, 4 होती है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी कुछ इनपुट है उसपे हम एक आउटपुट हमें मिल सकता है, ओके। अब मैथमेटिकली तौर पर हम जैसे कि कोई नंबर्स के लिए देखें, सपोज हमने लिया y इक्वल टू 2x, क्या लिया हमने, y इक्वल टू 2x।
तो हमेशा ये याद रखेंगे आप लोग, ये जो वेरिएबल x रहता है, क्या रहता है वेरिएबल x, ये क्या रहेगा इनपुट, ये क्या रहेगा इनपुट, और जो y रहेगा वो क्या रहेगा आउटपुट, क्या रहेगा वो आउटपुट रहेगा। ओके ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन के लिए इनपुट और आउटपुट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सपोज आपके पास x की वैल्यू दी हुई है 1, 2, ओके दो वैल्यू दी है, तो आपको x की वैल्यू यहां पर रखकर क्या फाइंड करना है y की वैल्यू। तो y इक्वल टू क्या हो गया 2 × 1 इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू हमने 2 रखा है फिर से यहां पर, तो 2 x की जगह हम रखते हैं 2, तो 2 × 2 = 4 हो गया। ओके ठीक है, अगर सपोज मैंने x की वैल्यू -1 लिया, क्या लिया मैंने -1 लिया, तो अब यहां पर हम x की जगह पर क्या रखेंगे -1 रखेंगे, ओके रुकिए इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए सिंपल वे में हमने क्या किया, हमें इनपुट से आउटपुट मिला, तो ये जो इनपुट से हमें आउटपुट मिला है यही हमारा क्या कहलाता है फंक्शन कहलाता है। ठीक है, हमें इसी तरह से क्या करना है मैथमेटिकल तौर पे फंक्शन को समझने के लिए आपको सिर्फ यही समझना है कि हम अगर कहीं पर कुछ इनपुट डालते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है आउटपुट मिलता है। ठीक है, और ये जो इनपुट और आउटपुट मिलता है ये सब किसके मतलब ये सब किसमें है फंक्शन में है, ये किसके मतलब किसका बेसिक कंसेप्ट है फंक्शन का। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट ये हमें कहाँ से मिल रहा है, किसी एक फंक्शन से मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है फंक्शन y इक्वल टू 2x। ओके, अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं y इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं सपोज 1 और एक x की वैल्यू लेते हैं हम -1, तो अब इन दोनों वैल्यू के लिए हमें क्या आउटपुट मिलता है ये देखते हैं। हमने y एज इट इज लिखा, x की जगह हमने रखा 1, 1 का स्क्वायर किया तो क्या मिला 1, y इक्वल टू अब हमने x की जगह रख रहे हैं -1, तो -1 स्क्वायर किया तो भी ये क्या आया 1 ही आया। इसका मतलब क्या हुआ, हमें कोई दो अलग अलग इनपुट से कैसा आउटपुट मिला, एक ही आउटपुट मिला, सेम आउटपुट मिला है। वही चीज मैं आपको यहां पर भी बता रही थी कि आपका जो इनपुट है उसका एक सेपरेट आउटपुट भी हो सकता है या फिर कोई तो अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट भी हो सकता है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि क्या दो अलग अलग आउटपुट के लिए कोई एक ही इनपुट रहे। ठीक है, कोई एक ही इनपुट से दो आउटपुट मिल सकते हैं क्या, नहीं मिल सकते। ठीक है, ओके, कोई दो आउटपुट से, ये दो आउटपुट है इसके लिए हम कोई एक ही इनपुट लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ कोई भी आप जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोग को कि आप लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई भी रीजन कोई भी बारे में सोच सकते हैं, तो वहां पर कोई दो एग्जांपल्स ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि दो आउटपुट कि आपको हंसना भी आ रहा है और आप लोग को मतलब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। ठीक है, तो उसके इन दोनों के पीछे का कोई अलग बदल, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आप हंसते जा रहे हो, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता है। या आपको यहाँ पर गुस्सा आ गया और यहाँ पर आपको बहुत हंसी आ रही है, तो ये दोनों आउटपुट के लिए कोई एक ही रीजन रहेगा क्या, यहाँ पर रहेगा ऐसा एक रीजन यहाँ पर
नहीं रहेगा वो एक रीजन। तो आप लोग को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, इस बेसिक कंसेप्ट को, क्या कि कोई भी दो अलग अलग आउटपुट के लिए एक ही इनपुट नहीं होता है, लेकिन कोई भी एक इनपुट के लिए, दो इनपुट के लिए एक आउटपुट हो सकता है। ठीक है, दो इनपुट के लिए एक आउटपुट हो सकता है। ठीक है, हाँ, जैसे कि दो इनपुट के लिए एक आउटपुट हो सकता है, आपने कोई जोक सुना तो भी आप लोग हंसने लगते हो, ठीक है, या फिर कोई आप लोग को इमोशनली भी कुछ आप लोग को अटैचमेंट हो किसी, या फिर इमोशन में भी आके आप लोग कभी कभी हंसने लगते हो, मतलब या फिर आपको मतलब गुस्सा आया तो आपको रोना आ सकता है, या फिर इमोशन में आके आप लोग रो सकते हो। तो आप लोग के पास दो इनपुट हुए, गुस्सा आ गया, इमोशनली हो गए, दोनों चीज के लिए क्या करा आपने, रोना आ गया आपको, आया, ठीक है। हाँ, तो सिंपल वे में क्या याद रखना है आपको, फिर से ध्यान से सुनेंगे आप सभी, दो इनपुट के लिए एक आउटपुट आ सकता है, लेकिन दो आउटपुट के लिए एक इनपुट नहीं आता है। ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन एंड बी नॉन एम्प्टी दैट एवरी ए वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी, देन द रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू द सेट बी। ओके, जो अभी मैंने आपको लिखा के दिया, मतलब बताया, वही मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। ठीक है, नॉन एम्प्टी मतलब वो खाली रहेंगे क्या वो सेट, नहीं खाली तो नहीं रहेंगे, उनके अंदर अंदर क्या रहेगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, और सेट ए के हर एक एलिमेंट क्या करेंगे, सेट बी के एलिमेंट से क्या होंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, ओके, वही यहां पर भी लिखा है कि क्या होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए के जो एलिमेंट रहेंगे वो सेट बी के एलिमेंट से क्या होंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से उनको क्या करना है, रिलेट करना ही है। इसका मतलब कि सेट ए से जो इनपुट डाला जाएगा वहां पर हमें दूसरे वाले सेट बी में कोई ना कोई आउटपुट मिलना ही चाहिए। ठीक है, तभी हम उसे क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और आप सबको याद रखना है कि x का मतलब क्या है, यहाँ पर इनपुट है, और y का मतलब क्या है, आउटपुट है। ओके, तो हमने उस रिलेशन को किस तरह से लिखा है, हमने लिखा है f raised to a tends to b। ठीक है, जो भी कोई फंक्शन रहेगा, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या डालना है, एक इनपुट डालना है, जिसे हम वेरिएबल x ले रहे हैं, और उससे हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा, वो क्या है, हमारा वेरिएबल y। ओके, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, और देखिए यहां क्या लिखा है हमने, f ऑफ x इक्वल टू y, इसका मतलब कि जैसे कि हमारे पास अगर ये वाला फॉर्म था y इक्वल टू x स्क्वायर, तो हम यहाँ पर y की जगह क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x। ठीक है, तो सिंपल वे में क्या याद रखोगे कि किसी भी इसमें कोई फंक्शन में कुछ इनपुट डाला जाए तो आपको उससे एक क्या मिलेगा, आउटपुट मिलता ही है। ओके, यह सिंपल सा एक आप लोग को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, और आप लोग को मे बी सेट भी समझ में आ गया होगा, सेट क्या रहता है, एक वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड कोई भी मतलब किसी चीज का आप लोग कलेक्शन करो, ठीक है,
हाँ इस तरह का वेल डिफाइंड कोई भी ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप। ओके, रियल नंबर्स का कलेक्शन कैसा रहेगा? वेल डिफाइंड रहेगा। ठीक है, कोई ऐसा हो कि चेंज होता है क्या रियल नंबर का कलेक्शन? नहीं चेंज होता। नेचुरल नंबर का जो भी कलेक्शन रहेगा वो चेंज होता है क्या? नहीं चेंज होता है। ठीक है, इस तरह का कोई भी कलर्स नेम, कलर्स कोई मतलब आपको मतलब कलर्स नेम लिखने के लिए कहा मैंने, तो जो भी स्पेसिफिक कलर्स नेम है वही रहेंगे कि आप लोग उसमें से कोई नए इन्वेंट करके लेकर आ जाओगे? जो मतलब रियल लाइफ में दुनिया में है बस वही आप लोग का कलर्स है ना, कि कोई और अलग से कलर्स बन जाते हैं जो मिक्स करके बनते हैं, वो भी कलर्स ही है, बट अपने मन से हम कोई नया और कलर ला सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, ये सब क्या कहला क्या कर सकते हो आप? उनका एक सेट बना सकते हो, तो सेट को आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ही आप लोग को समझने के लिए बहुत इजी जाएगा, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया तो क्या याद रखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई एक्स, ये हमारे इस फंक्शन में कोई इनपुट डाला जाए तो हमें एक आउटपुट मिलता है, ये फंक्शन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, अब हम क्या करेंगे इसे अच्छे से समझने के लिए, इससे रिलेटेड हमें क्या समझना पड़ेगा? एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। ओके, तो हम अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इफ 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 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमने देखा था तभी को अभी बताया डेफिनेशन में, y हमारा जो आउटपुट है वो किसके इक्वल है? हमारी फंक्शन f ऑफ x के। तो y इक्वल टू f ऑफ x इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या फिर ओनली y इक्वल टू भी लिख सकते हैं, या फिर f ऑफ x इक्वल टू जो भी टर्म रहेगा वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, किस तरह का फंक्शन है? अलजेब्रिक, इसे क्या कहते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। ओके, और हमें इस फंक्शन के लिए क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ जीरो। ठीक है, तो हम अब इसे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं देखते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, हमें ये जो एक्स है इनपुट हमारा, इस इनपुट के लिए कौन सी वैल्यू उन्होंने बताया है? जीरो। कौन सी वैल्यू? जीरो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स की जगह पर जीरो रखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन अबाव इक्वेशन। ठीक है, ऊपर वाले दिए हुए इक्वेशन में हम x की जगह पर क्या रख रहे हैं? जीरो रख रहे हैं। ओके, तो जहां पर भी x लिखा होगा वहां हम क्या लिख देंगे? जीरो। यहां पर भी x की जगह हमने लिख दिया जीरो, ये जो स्क्वायर है वो जैसे का वैसा, माइनस एक्स की जगह हमने लिखा जीरो प्लस वन इक्वल टू, जीरो का स्क्वायर किया तो क्या आ जाता है बताइए? जीरो का स्क्वायर किया तो क्या हो जाता है? जीरो ही आता है, माइनस जीरो प्लस वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? अभी हमें एक आउटपुट मिल गया, किसके लिए? जब फंक्शन में अगर हमने जीरो पुट किया तो हमें क्या मिलता है? उस फंक्शन की वैल्यू वन मिलती है। समझ में आया? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इनपुट से फंक्शन में डालकर कोई आउटपुट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आया सभी को समझ में? तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसे समझना है अच्छे से, और फिर हमें इसके आगे में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स सॉल्व करना सीखेंगे।
Our upcoming topic is examples on function. Thank you.